गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोमवार 10 जुलाई की देर रात वनडीटा जेल में फरीदकोट से गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार बिश्नोई के पेट में इन्फेक्शन की बात सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों ने दावा किया कि बिश्नोई को बुखार भी है। वकीलों के मुताबिक 4 जुलाई से बिश्नोई सावन के उपवास पर था। इस दौरान ज्वाइंट सिंह की शिकायत हुई जिससे तबीयत बिगड़ गई। गैंगस्टर को जेल से अस्पताल ले जाने तक पुलिस का कड़ा पहरा रहा। जानकारी के अनुसार अभी स्पेशल वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। गैंगस्टर के वकीलों ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई को बीते कुछ दिनों से लगातार बुखार बना हुआ था। दवाई खाने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच उसे पेट में इन्फेक्शन की शिकायत हो गई। गैंगस्टर के वकीलों की माने तो उसे पीलिया भी हो गया है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसे फरीदकोट के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। जेल से अस्पताल तक पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और झारखंड में भी सक्रिय है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर गैंगस्टर को दिल्ली की जेल में शिफ्ट ना करने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय इस बात को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।